बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा कोई ताल्लुकात नहीं है उससे, बस हम तो अपने कारोबार करते हैं, अपना अपने बच्चे हम सब अपना कारोबार करते हैं, हमारा कोई जरम पेशा से किसी से वास्ता नहीं है। असल में लोग हैं, अभी हम जिस फील्ड में हैं उधर तो हमें लोग, तो उस लोगों को दूसरा इशू नहीं मिलता है तो ये इशू मिलता है। वो आपके भाई हैं जो जिनसे आपका? सौतेले भाई हैं हमारे। अच्छा, सौतेले। उसका वालिद अलग है, मेरा वालिद अलग है, बहुत डिफरेंस है, फिर भी हमें मिलाया जाता है, क्योंकि वो हमारे सोशल काम में हमारे साथ मुकाबला नहीं कर सकते, तो उस भाई का नाम लेके हमें टॉर्चर करते हैं। करीम मेमन के साथ मिलके हमने ये ड्रम लगाए, सैनिटाइज लोगों को दिए, बहुत सारा काम है। ड्रम इधर लगा हुआ है, उधर लगे हुए, आगे लगे हुए, हमने ड्रम लगाए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इलाके में ये कोरोना वायरस फैले नहीं, हम इसके लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। एसी साहब से मिलकर, एसी साहब बहुत अच्छे आदमी है, बहुत नाइस आदमी है। आपसे कोई शिकायत तो नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेरे दो कुछ मैं नहीं कह सकता हूँ, कुछ दोस्तों को शिकायत होगी, पर हमारे मैं रात दिन या अभी भी कुछ लेडीज आई थी पानी के हवाले से 5 मिनट आपसे पहले, तो हमने बोला हम इंशाल्लाह ताला कर रहे हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी एक पानी की लेन COD से चोरी हो गई है, तो पानी की हमें किल्लत बहुत होगी। हमने जावेद नागौरी साहब के पास भी गए, बहुत हमने 4-5 चेयरमैन मिलकर मीटिंग की है हमने पानी के हवाले से, पानी की किल्लत हमें दिन ब दिन हमारे इलाके में, पानी के लिए काम कर रहे हैं अभी भी रात दिन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में इतनी अब भी पानी की किल्लत, जब ये 8 इंच की लेन यहाँ से COD से चोरी हो गई है। हम कोशिश कर रहे हैं, जावेद नागौरी भाई भी इसमें हमारे साथ शामिल है, अमजद अप्पा, फजल रहमान, चानिया साहब, हम 4-5-6 चेयरमैन जो है, देखो 45,000-50,000 की पब्लिक है, हमें 300 राशन सिंध गवर्नमेंट ने, 300-400 राशन सिंध गवर्नमेंट ने दिया, कुछ हम सोशल लोगों से लेके आए, राशनदार अदा किया, सिंध गवर्नमेंट ने भी किरदार अदा किया है, और क्या नाम है इसका, रेंजर्स ने भी किरदार अदा किया इस लॉकडाउन में, पब्लिक के पास हम घर घर गए हैं। करना चाहेंगे जाहिर है, हमारा अपील ये है कि हमारे इलाके के अंदर बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं, बेरोजगार हैं, इस लॉकडाउन में बेरोजगार हो गए, इनके लिए कुछ किया जाएगा। बहुत सारे हमारी आवाम यहाँ रोज़ाना इकट्ठा करते हैं, रोज़ाना पानी पीते हैं, ये वाले हमारे आवाम हैं, कोई लाचों पर काम करते हैं, कोई रेड़ियाँ लगाते हैं, कोई मजदूरी करते हैं, तो हमारे ये गरीब इलाका है, इधर हमें ज़रूरत है कि ईद आ रही है, लोगों के बहुत सारी ज़रूरत है क्या, और लॉकडाउन में आपको पता है सब बंद है, मदद करें UC4 के अंदर लोगों को, पैसों से मदद करें, और क्या नाम है राशन के हवाले से मदद करें कि हमारे गरीब लोग एक वक्त की रोटी तो खाएं। शुक्रिया। असलम साहब मौजूद थे हमारे साथ, इनका कहना ये था इनके खानदान के हवाले से जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं इसमें कोई सदाकत नहीं है। कैमरामैन के साथ सोनिया अब्बासी, हम जबान न्यूज़ कराची।